हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीयू नोवल। यह सोललैंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 42 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वो साइक्सी कहती है, मैं धन्यवाद कहूँगी जो तुमने मुझे आखिरी बार उसे देखने का मौका दिया। यह तो कभी खुद तांचन ने भी नहीं सोचा होगा कि तुम ऐसा कुछ अनुमान लगा सकते हो। और वो साइक्सी बताने लगती है, तांचन ने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा जब वो यहाँ आए और हम फिर से मिले। उससे पहले सब कुछ मीनिंगलेस था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने यहाँ आकर भले ही मुझे खुशी दी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख हुआ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह मैं हूँ जिसे उस समय बहुत गर्व था। मैंने उसे कभी साफ साफ नहीं बताया, कभी भी उसके लिए अपनी भावनाओं का इशारा नहीं किया। यह सब मेरी गलती है। वो साइक्सी कुछ हद तक अनकंट्रोलेबल लग रही होती है। वो साइक्सी कांप रही होती है। तांचन कहता है, सीनियर आप ग्रेट ग्रैंडफा कहाँ हैं? फिर वो साइक्सी कहती है, क्या तुम जानते हो जब वह तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारे समान ही था, लेकिन वह तुमसे काफ़ी ज़्यादा ढीठ था। बेशक यह उसकी पावर से भी जुड़ा हुआ था। जब वे 30 साल के थे उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, और शायद यही कारण था मैं भी उसे पसंद ना करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे पहले ही पता था उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है। और एकदम से कहती है, ओह तांचन तुम मेरे लिए एक अभिशाप हो, तुम अब भी मुझे अंत तक नहीं जाने दोगे। यह वो साइक्सी ने क्या कहा मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन तांचन इसे सुनकर हैरान रह गया और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो साइक्सी को हैरानी के साथ देखता है। वो साइक्सी फिर से तांचन से कहती है, हाँ तांचन पहले ही गुजर चुके हैं, अनंत काल में चले गए हैं। भले ही वह मेरी भावनाओं को समझ सकता था और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया था, आखिर में उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया और उसने मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दिया और छोड़ गया। और इसी तरह से मैं एक दिन में 10 साल तक वृद्ध होती गई और आखिरी में ऐसी हूँ। तांचन कहता है, यह नामुमकिन है, मेरे ग्रेट ग्रैंडपा की बॉडी पहले ही गॉड की बॉडी है, वह कैसे इस तरह से गुजर सकते हैं? आप गलत हो। तांचन को वो साइक्सी के दिल तोड़ने वाले शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस पर बोसाइक्सी कहती है, बच्चे बैठ जाओ, मैंने तुम्हें इन्हीं मसलों पर बात करने के लिए बुलाया है। और फिर से बोसाइक्सी कहने लगती है, उस समय जब तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफा और के अंडोलियों ने मेरी शर्तों को सुना तो उन्होंने सी गॉड द्वीप को एक साथ छोड़ दिया। के अंडोलियो मेरे जैसा था, वह भी एक डिविनिटी गार्डियन था और एंजल गॉड को प्रोटेक्ट कर रहा था। वह कभी भी गॉड नहीं बन पाएगा, इसलिए उसने पहले ही हार मारने का फैसला कर लिया। लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफा ऐसे नहीं थे, मुझे गर्व है। वह अपना वादा पूरा करने से पहले वापस आने के लिए तैयार नहीं हुआ और गॉड बनने के लिए स्लॉटर सिटी में असुरा गॉड का सक्सेसर होना चुना। उसी के चक्कर में फंसकर ब्लड रेड 9 हेडेड बैट किंग का होस्ट बन गया और उसी के साथ स्लॉटर सिटी का किंग भी। तांचन भी समझ जाता है, आखिरकार वह तांचन ही तो था जिसने तांचन की हेल्प की। लेकिन उससे तांचन की बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और जैसे ही तांचन अपनी प्रेजेंस में आता है असुरा गॉड की पावर उसमें एंटर कर जाती है। उस भयानक पावर के कारण तांचन की बॉडी बुरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वह अपनी हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आ पाया। तांचन फुसफुसाते हुए कहता है, इसका मतलब यह मैं था जिसने ग्रेट ग्रैंडफा को मार डाला। वो साइक्सी गुस्से में कहती है, बेवकूफ़ बच्चे बकवास मत करो, यहाँ तक मृत तांचन भी बैट किंग की होस्ट बॉडी से बेहतर है। तुम्हारे ग्रैंडफा तुम्हारे लिए ग्लोरी चाहते थे, जब वे यहाँ आए तो उनकी बॉडी पहले ही खत्म होने की कगार पर थी। मैंने हेल्प करनी चाही लेकिन ना कर सकी, वह तुम्हारे आने का इंतजार करना चाह रहे थे। वह तुम्हें डिविनिटी इनहेरिट करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन असुरा गॉड की पावर बहुत अधिक थी, उसे नहीं संभाल सके। उनकी बिखरी हुई बॉडी कैसे टिक सकती थी? यहाँ आने के बाद अपने आखिरी 3 दिनों में हमने बहुत सारी बातें की और अनजाने में ही 3 दिन बीत गए। बात करते करते बोसाइक्सी के बड़े बड़े आंसू किसी नदी की तरह आंखों से निकल रहे होते हैं और पूरी ही बॉडी कांप रही होती है। बोसाइक्सी का दिल टूटा हुआ होता है, बोसाइक्सी के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। तांचन ने बोसाइक्सी की बाहों में आखिरी सांस ली होती है और आखिरी सांस लेने के बाद तांचन को पूरे 7 दिनों तक बिना मूव किए हुए रखा और उसके बाद बोसाइक्सी का रूप बदल जाता है। तांचन के लिए यह काफ़ी बड़ा झटका होता है। काफ़ी टाइम बाद बोसाइक्सी ने खुद को शांत किया, उसके बाद चेहरे पर मुस्कान देती है और कहती है, यह प्रकृति का नियम है, वह बूढ़ा होकर मरेगा ही जब तक कोई गॉड नहीं बन जाता।
उसे जो मेरी वजह से कड़वाहट मिली है, मैं निश्चित ही अपनी अगली जिंदगी में उसका अच्छे से साथ दूंगी। तुम्हारे ग्रैंडफा को गुजरने से पहले एकमात्र अफसोस था वह तुम्हें गॉड बनते हुए नहीं देख सके। तांगसन, तुम्हें जल्दी से उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। बोसाइक्सी ने अपनी कलाई लहराई और सी गॉड पैलेस की तरफ इशारा किया। अचानक रेड लाइट फ्लैश होती है और एक ही पल में बोसाइक्सी और तांगसन के बीच में आ जाती है। वह 2 मीटर लंबी ब्लड रेड बड़ी स्वॉर्ड थी। इसे कभी तांगसन ने तांगचन के हाथों में देखा था। इस स्वॉर्ड से निकलने वाला किलिंग ऑरा भयानक था। वह बोसाइक्सी को भी इफेक्टिव कर रहा था, जबकि तांगसन के देखने के साथ तांगसन की उसे लेने की इच्छा हुई। तांगसन का लेफ्ट हैंड अनकंट्रोलेबल तरीके से ऊपर आते हुए दिखा। स्वॉर्ड और हथेली पर एक ही मैजिकल पैटर्न बना हुआ था। आज तांगसन समझ जाता है वह रेड एनर्जी क्या है, जिसने तांगसन को डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग को मारने और उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने में हेल्प की होती है। दरअसल यह तांगसन के डेथ गॉड डोमेन में एक चेंज था। यह अब डेथ गॉड डोमेन की पावर नहीं थी, बल्कि उस पावर का संबंध असुरा गॉड से था, जिसे ग्रेट ग्रैंडफा ने लेने की कोशिश की थी। अब तक तांगसन को सब क्लियर हो जाता है और समझ जाता है जैसे ही वह इस स्वॉर्ड को छुएगा तो सी गॉड के द्वारा तांगसन की बॉडी में असुरा पावर को जो सप्रेस करके रखा हुआ है वह और अधिक सप्रेस नहीं कर सकेंगे। इससे तुरंत ही तांगसन ने अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ने से रोक लिया। यह नहीं हो सकता है। तांगसन नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी फिर से उनके लिए बैटल ग्राउंड बन जाए। असुरा गॉड की प्रेजेंस से गॉड भी कांपते हैं। फिर कोई भेल किंग क्या चीज थी? और तांगसन ने सोच विचार कर सी गॉड को चुना और स्वॉर्ड को उसके ग्रैंडफा के पास ही छोड़ने का फैसला किया। और इसी के साथ तांगचन की मृत्यु के साथ तांगसन असुरा गॉड का फर्स्ट सक्सेसर बन जाता है। और ऐसा हो सकता है यदि तांगसन के पास सी गॉड की पावर नहीं होती तो वह अब तक असुरा गॉड बन जाता। वह सी गॉड की पावर थी जिसने असुरा पावर को ब्लॉक और सप्रेस किया। तांगसन खुद का हाथ पकड़ रहा होता है, जिसकी अजीब हरकत देखकर बोसाइक्सी कहती है, यह क्या है? तब तांगसन कहता है, निश्चित ही ग्रेट ग्रैंडफा ने मेरे लिए काफ़ी बड़ा गिफ्ट छोड़ा है, और यदि मैं इसे पकड़ता हूँ तो हो सकता है मेरा सी गॉड इनहेरिटेंस इफेक्टिव हो जाए। इस पर बोसाइक्सी ने भी चुपचाप सिर हिलाया और कहती है, अगर मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस में हेल्प कर दूँ तो यह कुछ जल्दी हो जाएगा, साथ ही मैं भी फ्री हो जाऊँगी। कहते हुए असुरा स्वॉर्ड को वापस रख देती है। तांगसन भी कुछ राहत महसूस करता है। तभी बोसाइक्सी कहती है, अपने दोस्तों को बुलाओ, सी गॉड की एनर्जी बहुत अधिक है, जब यहाँ पर वह निकलेगी तो वह एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, साथ ही इस जगह को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तभी तांगसन सी गॉड हार्ट की स्थिति बताता है, जिसे देखकर बोसाइक्सी परेशान हो जाती है। क्या हुआ? अभी तक बोसाइक्सी तांगचन के गहरे दुख में डूबी हुई थी, जिससे ट्राइडेंट पर नज़र नहीं गई होती है। फिर तांगसन पूरी कहानी बताता है। फिर बोसाइक्सी कहती है, तांगसन, क्या तुम्हें तुम्हारा 7वां टेस्ट याद है, जब ट्राइडेंट पर सी गॉड हार्ट नहीं था? लेकिन बिना सी गॉड हार्ट के तुम्हें काफ़ी परेशानी होगी, और सी गॉड हार्ट के कारण ही तुम्हें इनहेरिटेंस मिल सकता है और उसी से सक्सेसर को चुना जा सकता है। और तुम्हारे बताए अनुसार मैं कह सकती हूँ, सी गॉड हार्ट तुम्हारी तरफ था, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। और सी गॉड हार्ट के टूट जाने से ट्राइडेंट ने भी अपनी ग्लोरी खो दी है और अब सी गॉड हार्ट नहीं है, तो मुझे नहीं पता इनहेरिटेंस के दौरान आगे क्या होगा। और सही बात यह है कि सी गॉड के हार्ट को मैं भी नहीं समझ सकती हूँ, इसलिए उसे रिकवर करने का कोई तरीका नहीं बता सकती हूँ। हाँ, यदि इनहेरिटेंस पूरा होता है तो यह ट्राइडेंट तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन यह इनहेरिटेंस काफ़ी कठिन हो जाएगा, और जानते हो यदि तुम सक्सेस नहीं हुए तो मारे जाओगे। फिर तांगसन कहता है, एंजल गॉड से निपटने के लिए कोई ना कोई गॉड होना चाहिए, यदि सी गॉड नहीं तो असुरा गॉड, लेकिन जब उन्हें मेरे ग्रैंडफा प्राप्त नहीं कर सके तो मेरे लिए भी नामुमकिन ही होगा। सी गॉड के लिए मुझे रिस्क लेनी होगी। बोसाइक्सी भी तांगसन की जिद के आगे अपनी हार मान लेती है और फिर से अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कहती है। फिर तांगसन सभी को बुलाने के लिए चला जाता है। 7 प्लर गार्डियन जानते थे आगे क्या होने वाला है, इसलिए वे भी काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं। वे जानते थे सी गॉड इनहेरिटेंस का मतलब बोसाइक्सी नहीं रहेगी, और यह सब सी ड्रैगन मास्टर से सी गर्ल मास्टर कह रही होती हैं। अब तक सभी अंदर आ जाते हैं।
दाइमोबाई कहता है, लिटिल सन तुम्हें सफल होना होगा। और सभी लोग एक एक करके तांगसन से मिलते हैं और सब अपनी तरफ से अच्छा होने की कामना करते हैं। और आखिर में साओबू से गले लगते हुए तांगसन जल्दी से ऊपर चला गया जहां से एक बार ट्राइडेंट खींचा था। इसी समय श्रेक सिक्स डेविल्स ने अपने आसपास स्पेशल एनर्जी वेब को महसूस किया और सभी के सी गॉड टेस्ट मार्क चमक उठे। वह भी किसी अजीब तरह से उछलते हुए अपने अपने प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं। वो साइक्सी की आवाज़ आती है, क्या तुम तैयार हो? सभी हामी भर देते हैं। वो साइक्सी ने अपनी छड़ी जैसे ही ऊपर की तो उसमें लगे जैम से तुरंत ही गोल्डन लाइट निकलती है। देखते ही देखते सी गॉड पैलेस जगमगा उठा। बोसाइक्सी कहती है, प्लेटफार्म के सेंटर में खड़े हो जाओ। इस समय बोसाइक्सी का चेहरा लाल हो गया था। एक ही पल में वह फिर से जवान हो गई होती है। आंखों से उदासी गायब थी। सिर ऊपर करते हुए कहती है, 100 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया है। लॉर्ड सी गॉड, आपका सेवक आखिरकार अपना मिशन पूरा कर सकता है। कहने के साथ नीचे से फीकी गोल्डन लाइट ऊपर उठने लगती है। वह गोल्डन लाइट बोसाइक्सी की सोल पावर थी। यह भी पहली बार था जब श्रेक सेवन डेविल्स ने बोसाइक्सी की वास्तविक पावर देखी थी। पूरी ही सोल रिंग दिखाई देती है, उनमें एक गोल्डन साइन होती है। वह गोल्डन लाइट और तेज होने लगती है। तांगसन बोसाइक्सी की साइड में खड़ा हुआ था। बोसाइक्सी से निकलने वाली एनर्जी के कारण सभी चौंक जाते हैं। धीरे धीरे करके बोसाइक्सी के सोल रिंग फैलने लगते हैं। आंखें भी गोल्डन हो जाती हैं। 9 रिंग एक साथ 3 मीटर से अधिक के डायमीटर तक फैल गए होते हैं। 9 फीकी गोल्डन सोल रिंग ने एक साथ 2 लोगों को घेर लिया था। यह पहली बार था जब आज श्रेक सेवन डेविल्स ने ऐसा कुछ मिरेकल देखा था। फ्लैसी मैजिकल पैटर्न वेब के रूप में सी गॉड पैलेस में दिखाई दिए जो छत दीवार और उन 7 प्लेटफार्मों को कवर करते हैं जिन पर वे सभी खड़े थे। बोसाइक्सी की छड़ी तांगसन और बोसाइक्सी के बीच में होती है। उस पर गोल्डन जेम और चमकीला होता जा रहा होता है। तांगसन का सी गॉड मार्क भी धीरे धीरे फ्लैश हो रहा होता है। इसी के साथ तांगसन ने महसूस किया होता है कि उसके अंदर के सभी सेल जैसे कि खुशी के मारे नाच रहे हो। तांगसन और बोसाइक्सी के पैर के नीचे एक गोल्डन स्टार फ्लैश हो रहा होता है। यह स्टार काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5 मीटर के डायामीटर में फैला हुआ होता है। उन 6 प्लेटफार्मों से गोल्डन पिलर फट गए होते हैं। बाकी 6 ने भी खुद को एक अजीब एनर्जी के अंदर महसूस किया। बोसाइक्सी ने तांगसन से पूछा, क्या तुम सच में तैयार हो? तांगसन फिर से हाँ कहता है। फिर बोसाइक्सी कहती है, सी गॉड समुद्र के प्राणियों को नियंत्रित करने वाले गॉड हैं और सी गॉड के सक्सेसर के रूप में तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी लगा दोगे। तांगसन फिर से हाँ कहता है। बोसाइक्सी एक एक करके तांगसन से हाँ कहलवाती है, जैसे कि रक्षा करोगे, सी गॉड का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दोगे, वगैरह वगैरह। जब तांगसन सब में हाँ कह देता है तो शांति के साथ सिर हिलाते हुए बोसाइक्सी ने अपनी छड़ी से आगे की ओर इशारा किया। उस जैम से तांगसन के माथे पर सी गॉड मार्क को छूती है और कहती है, सी गॉड की ग्लोरी तुम्हें कंटिन्यू रखनी है। तांगसन अपने दिमाग में उस रोहम्बिक जैम के टच होने के साथ एक गर्म एनर्जी को आते हुए महसूस कर सकता है। तभी तांगसन ने महसूस किया उसकी सोल रिंग में विस्फोट हो रहा है और एक्साइटमेंट से भरी हुई सी गॉड 9 ट्रायल 9 टेस्ट सी गॉड इनहेरिटेंस शुरू होता है। बोसाइक्सी ने छड़ी को ऊपर उठाया। एक गोल्डन लाइट किसी बिजली की तरह निकलती है, सीधे ही टेम्पल के शिखर से टकरा रही थी। तुरंत ही आसमान में भी तेज गोल्डन लाइट दिखाई दी। तांगसन के पैरों के नीचे गोल्डन स्टार के पॉइंट चमक उठे। गोल्डन लाइट के फ्लैश ने तांगसन और बोसाइक्सी को पूरी तरह से कवर कर लिया होता है। इसी समय छड़ी से निकली गोल्डन लाइट फैल गई होती है जिससे आसमान से गिरने वाली लाइट की कुल 13 लाइन बन गई जो स्टार पॉइंट के चारों ओर 13 गोल्डन फ्लेम बन जाती हैं। बोसाइक्सी के पीछे सी गॉड की शैडो दिखाई देती है। बोसाइक्सी कहती है, होली गेट खुलने वाला है, सी गॉड के सक्सेसर सी गॉड के खोले हुए गेट में एंटर करो। लास्ट ट्रायल को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ हार्ट सोल हर चीज का यूज करना होगा। कहते हुए बोसाइक्सी की आवाज़ तेज हो जाती है। इसी के साथ उसके द्वारा पकड़ी हुई छड़ी टूटकर बिखर जाती है और उसी के साथ 9 सोल रिंग उसे और तांगसन को घेरे हुए थे। और जैसे ही वह 9 रिंग बिखरते हैं तांगसन को सब कुछ इल्यूजन के जैसा लगने लगा। तांगसन के चारों ओर गोल्डन फ्लेम भड़क जाती है। यह एनर्जी बोसाइक्सी की सोल रिंग के बिखरने के साथ आई होती है, साथ ही बोसाइक्सी डिसअपीयर हो रही होती है।
जो कुछ रह गया था वह वो सेक्सी की दयालु आंखें थीं। तांसन जोर से चिल्लाना चाह रहा होता है, नहीं, लेकिन चिल्ला ना सका। बोसाइक्सी के चारों ओर की फ्लेम धीरे धीरे डार्क होती गई और बोसाइक्सी की बॉडी का कलर धीरे धीरे फीका होता जा रहा होता है। बोसाइक्सी कहती है, चाइल्ड उदास मत हो, यह मेरा मिशन है। जिस दिन मैं सी गॉड पैलेस की हाईएस्ट प्रीस्ट बनी थी, उसी दिन से यह आने वाला दिन तय था। सी गॉड के फेवर के साथ साथ न्यू सी गॉड जनरेशन की गाइड भी बन गई। इसके बाद तुम्हें अपनी पावर पर भरोसा करना होगा। बच्चे, मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफा की तरह 100 साल से भी ज्यादा समय से जी रही हूँ। यह हमारी उम्र में समय के पहले का अंत नहीं है। दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे लॉर्ड सी गॉड का दिया हुआ मिशन पूरा करना है। मैं भी क्यान डोलियो जैसी हूँ। जब क्यान रेनिक्स गॉड बन गई है तो उसे भी अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। जब ही यह कम्प्लीट होता है, अब यदि तांगचन जिंदा होते तो मुझे पछताना पड़ता, लेकिन वह मुझसे एक कदम आगे रहा, तो अब हिचकने की क्या बात है। अब तांगसन को शुरू से अब तक बोसाइक्सी ने क्या कहा और क्यों किया। भले ही बोसाइक्सी ने कभी तांगसन को मारने की कोशिश ही क्यों ना की हो, अब तांगसन को सब समझ आ जाता है। सी गॉड इनहेरिटेंस में गाइड के रूप में बोसाइक्सी की जिंदगी की जरूरत होगी। इसी समय तांगसन को सभी सातों मास्टर का डल चेहरा याद आ जाता है। वह भी जान गया था आखिर क्यों वह उदास थे। बोसाइक्सी कहती है, बच्चे रो मत, मेरे लिए मृत्यु भयानक नहीं है, बल्कि मेरे लिए यह एक राहत है। जब तक तांगचन को नहीं देखा था तब तक मुझे परेशानी थी, लेकिन अब नहीं है। इस दुनिया में हम साथ नहीं रह सके, मुझे उम्मीद है दूसरी दुनिया में रह सकती हूँ। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। बोसाइक्सी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही होती है, बॉडी भी डिसअपीयर हो रही होती है। तांगसन दुखी था, पहले तांगचन और अब बोसाइक्सी। तांगसन को यह दर्द उसके दिल को खंजर से काटने के बराबर लग रहा होता है। तांगसन को भयानक दर्द सहन करना पड़ रहा था, लेकिन जो दर्द तांगसन के दिल में था वह इसके आगे कुछ भी नहीं था। तभी तांगसन ने महसूस किया, गोल्डन फ्लेम कम हो गई है और उसके सामने एक गोल्डन गेट अपीयर हुआ है, जो गेट नहीं बल्कि एक पोर्टल होता है। तांगसन जानता था इसी के लिए बोसाइक्सी ने अपनी जिंदगी दी हुई है और उसके बाद यह ओपन हुआ है। तांगसन गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ बढ़ गया होता है। यह फ्लेम इतनी पावरफुल होती है कि दूर किनारे पर कहीं क्यान रेनिक्स भी इस गोल्डन फ्लेम को देख सकती है। अब तक क्यान रेनिक्स ने भी एंजल गॉड की सारी पावर को प्राप्त कर लिया होता है। तांगसन ने जैसे ही उस गेट में कदम रखा, उस पर पड़ने वाला प्रेशर गायब हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइस सुनने को मिला है। मैं इसी नॉइस से बचने के कारण कल वीडियो नहीं डाल पाया था। यदि आपको इस नॉइस से परेशानी नहीं है तो मैं अगले दिन वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, और नहीं तो आपको एक या दो दिन का इंतज़ार करना होगा। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।